32वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स में शामिल अफसरान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालियाती दौरा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कराची से आए वफ्त में 39 जेरे तरबियत अफसरान शामिल थे। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में कायम एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 सेंटर की कॉल पर फौरी एक्शन। डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर ने गुज्जरपुरा के इलाके में शहरी से डकैती की वारदात नाकाम बना दी। और लेडी SHO पाकपतन पुलिस ने सरेआम नाजायज असलहे की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। अस्सलामु अलैकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं उमर बख्त। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बत्तीसवें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स में शामिल अफसरान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालियाती दौरा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कराची से आए वफ्त में 39 जेरे तरबियत अफसरान शामिल थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वफ्त को पंजाब पुलिस की वर्किंग और जदीद प्रोजेक्ट्स बारे आगाही दी। इस मौके पर IG पंजाब का कहना था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से रवायती पुलिसिंग से IT बेस्ड पुलिसिंग का सफ़र तेज़ी से जारी है। शहरियों के मसाइल के इजाले का अमल मजीद मौसर बनाने के लिए 1787 कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को मजीद फ़आल किया गया है। दहशतगर्दी की हालिया लहर के पेश नज़र सूबा भर में सर्च, स्वीप, कॉम्बिंग और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में तेज़ी लाई गई है। करप्शन, इख्तियारात से तजावुज़ और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत इकदाम में तेज़ी लाई जा रही है। IG पंजाब ने ज़ेरे तरबियत अफसरान की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाबात भी दिए। दौरे के इख्तिताम पर IG पंजाब और वफ्त के सरबराह के माबैन यादगारी सवीनियर का तबादला भी किया गया। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में कायम एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 सेंटर की कॉल पर फौरी एक्शन। डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर ने गुज्जरपुरा के इलाके में शहरी से डकैती की वारदात नाकाम बना दी। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में कायम पुलिस हेल्पलाइन 15 सेंटर पर कॉल मौसूल हुई कि दो डाकू एक शहरी से गुज्जरपुरा के इलाके में गन पॉइंट पर वारदात कर रहे हैं। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में मौजूद पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर ने मुतलका फील्ड फोर्स को मौके पर फौरी पहुंचने की हदायत दी। डॉल्फिन फोर्स ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा साथी फरार हो गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से दो मोबाइल और अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया है। डॉल्फिन स्क्वाड ने मुलजिम को मुतलका थाने के हवाले कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस अमनाबाद लाहौर ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 1 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स, नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया है। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस होने का एतराफ़ किया है। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन अकीला न्याज नकवी का कहना था कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। लेडी SHO पाकपतन पुलिस ने सरेआम नाजायज़ असलहे की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। लेडी SHO इशरत थाना डलोरयाम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाजायज़ असलहे की नुमाइश करने वाले मुलजिम फिदा हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 30 बोर पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली गई हैं। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए PSA.media और सोशल मीडिया पेजेस।